आज हम बनाएंगे केले की बर्फी। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी और टेस्टी होती है। इसको आप चाहे तो व्रत में खाएं या ऐसे ही जब भी आपका मन करे तो बर्फी बना के खा सकते हैं। या कभी मार्केट से ज्यादा केला आ जाता है तो केले को ज्यादा दिन रखने से गलने लगता है, तो भी आप बर्फी बना के रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे तो खा सकते हैं। तो बर्फी बनाने के लिए मैंने लिया है 4 बड़े साइज का केला। तो इसको पहले छील लेंगे और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब इसको एक मिक्सी जार में डालेंगे। अब इसका ढक्कन बंद करके बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लेंगे। अब लेंगे एक केक टीन। आप कोई प्लेट या थाली भी ले सकते हैं या कोई टिफिन है तो उसको भी ले सकते हैं। थोड़ा सा घी डाल के इसको ग्रीस कर लेंगे और इसको अभी साइड में रखेंगे। अब एक पैन लेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, मैंने यहाँ पे काजू और बादाम लिया है, डाल के हल्का सा भून के निकाल लेंगे। आप अपनी पसंद अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और ड्राई फ्रूट की मात्रा भी आप अपनी पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। गैस फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसी घी में डाल देंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, बस मैंने इसलिए डाला है ताकि जल्दी से ये गाढ़ी हो जाए और बर्फी जल्दी से सेट हो जाए। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो कॉर्नफ्लोर बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि व्रत में कॉर्नफ्लोर नहीं खाना चाहिए। अब इसमें ये ग्राइंड किया हुआ केला डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने गैस फ्लेम ऑन नहीं किया है, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब गैस फ्लेम ऑन कर देंगे, नहीं तो फिर हम जो कॉर्नफ्लोर डाले हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, जम जाएगा। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने गैस फ्लेम ऑन कर दिया है। गैस फ्लेम लो टू मीडियम पे रखेंगे और स्वाद अनुसार चीनी डाल देंगे। कोई कोई केला थोड़ा खट्टा होता है, तो अगर खट्टा केला है तो उसमें चीनी और ज़्यादा डाल दीजिए। और 3 से 4 बूंद येलो फूड कलर डाल देंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, चाहे तो डालें चाहे तो स्किप कर दें। और 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और इसको कंटिन्यू चलाते हुए गाढ़ा करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से ये गाढ़ा हो जा रहा है। तो अगर हम नॉनस्टिक पैन में इसको बनाते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है बनाने में। तो 2 टेबल स्पून घी और डाल देंगे और अच्छे से इसको भी मिक्स कर देंगे। इस तरह से चलाते हुए इसको बिल्कुल गाढ़ा कर लेंगे जब तक कि ये पैन छोड़ नहीं देगा। अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट को मैंने कट कर लिया है। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल पैन ये छोड़ दिया है। तो अब इसको केक टिन में डालेंगे और स्पैचुला से ही इस तरह से बराबर कर देंगे। ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल देंगे और स्पैचुला से ही प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे और बर्फी जब पूरी तरह से सेट हो जाएगी फिर कट करेंगे। तो लगभग 2 घंटे बाद आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब इसका अपने मनपसंद आकार में पीस कट कर लेंगे। तो बहुत आसानी से देखिए बर्फी निकल जा रही है, बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई है और बहुत ही बढ़िया बर्फी बनी है। देखने में बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। इसको अगर आप फ्रिज में करके रख रहे हैं तो 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन तक रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं खराब होती है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये केले से बनी हुई बर्फी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक आसान सी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।